हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश पांडे। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरह से डायमेंशन को मॉडिफाई करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी कमेंट किए तो उन्होंने बोला कि मुझे डायमेंशन क्लास के बारे में जानना है, सो मैं डायमेंशन के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल आपके पास जो ऑटोकैड होता है वो इस तरह से रहता है। इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर एनोटेट पर क्लिक करना पड़ता है और इस रिबन पैलेट के अंदर सारे डायमेंशन के टूल्स दिए होते हैं। अभी हम लोग वन बाई वन एक एक टूल्स पर डिस्कस करेंगे। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखेंगे तो पहला जो है ये लीनियर है। लीनियर इज़ फॉर स्ट्रेट लाइन एंड एलाइन इज़ फॉर एंगुलर लाइंस एंड एलाइन इज़ फॉर इंक्लाइन लाइंस एंड देन एंगुलर एंगुलर इज फॉर सो दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज एलाइन। एलाइन इज़ फॉर इंक्लाइन लाइन इफ़ योर लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट, ठीक है, टेढ़ी लाइन हो। इस केस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एलाइन को। एलाइन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे एलाइन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर कोई टेढ़ी लाइन है, लाइक ऑर्थो मैंने ऑफ कर दिया, तो अगर कोई टेढ़ी लाइन है इस तरह से, तो ये देखिए इसकी डायमेंशनिंग करने के लिए ये होता है। ये तब होता है जब हम लोग के पास जैसे लाइन है हमारी लाइन और इस तरह से लाइन है, जैसे इस तरह से कोई टेढ़ी एक लाइन है और इस लाइन का डायमेंशन करना है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाके यहाँ से इसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन का आपको डायमेंशन पता चल जाएगा। ओके, नाउ सपोज यू हैव अ टू लाइंस, दिस लाइन इज वन लाइन इज दिस वन एंड वन लाइन इज दिस वन। इफ़ यू वांट टू नो द एंगल बिटवीन दिस लाइंस, इन दैट केस यू कैन जस्ट गो टू एनोटेट एंड देर इज वन ऑप्शन, इट्स कॉल एंगुलर। जस्ट क्लिक ऑन एंगुलर एंड क्लिक ऑन फर्स्ट वन देन सेकेंड वन, यू कैन इजली गेट योर एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स। नाउ नेक्स्ट इज योर आर्क लेंथ। सपोज यू हैव एनी आर्क, आई क्रिएट वन आर्क फ्रॉम हियर। और इफ़ यू वॉन्ट टू नो द लेंथ ऑफ दैट आर्क, सो इन दैट केस जस्ट गो टू आर्क लेंथ एंड देन क्लिक एनी वेयर इन आर्क एंड देन सी दिस इज द लेंथ ऑफ योर आर्क। आफ्टर दैट इफ यू हैव सम सर्कल्स लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, यू वॉन्ट टू नो रेडियस ऑफ दिस, इन दैट केस यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रेडियस एंड देन क्लिक हियर सी दिस इज द रेडियस। Next is for diameter. If you want to know the diameter of this circle, you can see the diameter. And this is for also for a radius, but in zigzag shapes. Just click here, and if you want to see this, just click here, then click outer, then inner, then where you want to see it. See, AB कितने का आया है 1.17 और ये कितने का है 1.17। तो इससे जो यहाँ पे zigzag shape है, zigzag shape ये हमें present करता है कि if you want to change that radius. अगर मुझे एज्यूम करना है कि ये क्या बोलते हैं, बनाया तो हमने एक है बट इसको हम पाँच का यहाँ पे नीड है, हमें 5 mm का बनाना है, तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। इसलिए इस जैक शेप में दिया हुआ है ये चीज़ें, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस दिस इज योर ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या करता है, ऑर्डिनेट आपको बताता है कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए आपको तुरंत डिस्टेंस दे दिया कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। और जैसे आप यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और इधर की ओर डायरेक्शन में क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आप एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो इस तरह से ऑर्डिनेट क्या करता है, एक्स और वाई का एक्सिस बताता है बट अलग अलग बताता है, दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। तो हमने देखा कि किस तरह से लीनियर, एलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस और डायमीटर के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इसको यूज करते हैं। आफ्टर दिस देर इज़ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, इट्स कॉल्ड ब्रेक। आई वॉन्ट टू गो टू टीच यू अबाउट हाउ टू यूज़ ब्रेक। सपोज आपके पास एक डायमेंशन है ये, और एक डायमेंशन है इस तरह से, और इसके बाद एक डायमेंशन आपका है यहाँ से गया हुआ है और वो डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक आया हुआ है। ये दोनों डायमेंशन एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू ड्राइंग लॉ गलत है। डायमेंशन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक कमांड यूज़ करना पड़ेगा। ब्रेक कमांड यूज़ करके फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करो, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे देखिए आपके पास यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो ये बताता है कि ये जो हमारा डायमेंशन है ये फर्स्ट डायमेंशन और ये हमारा सेकेंड डायमेंशन है। ओके, तो इस तरह से हमने डायमेंशंस को देखा। इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है एडजस्ट स्पेस। एडजस्ट स्पेस से पहले आपको कुछ तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। यहाँ पे हमने सपोज एक सर्कल लिया, और चाहे तो आप इसी सर्कल को या कुछ और सर्कल्स बना लीजिए। इस तरह से हमने सर्कल्स बना दिए, और इन सर्कल्स को बनाने के बाद अगर मुझे सबका रेडियस जानना है तो एक साथ सबको सेलेक्ट करो
और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्विक कमांड होती है। जैसे क्विक कमांड पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास होता है रेडियस, जस्ट जस्ट क्लिक ऑन रेडियस एंड देन क्लिक हियर सी इन वंस टाइम यू विल गेट ऑल द रेडियस। तो ये हमारा होता है क्विक कमांड। ऐसे ही क्विक कमांड को ऐसे आप रेडियस की जगह डायमीटर भी फाइंड करना चाहते हो, आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा डायमीटर। डायमीटर में हमने देखा था, देखिए इस तरह से हमारे पास डायमीटर आ गया हर एक सर्कल का। अगेन आई सेलेक्ट दिस एंड देन क्विक कमांड, और अब क्या अगर राइट क्लिक किया और हमें चाहिए हमें अगर अब किया इस बार चाहिए हमें बेस लाइन और एनी अदर थिंग्स, तो हमने बेस लाइन क्लिक किया। बेस लाइन क्लिक कर जिससे क्लिक किया, तो बेस लाइन क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का स्पेस, दैट इज़ कॉल्ड बेस लाइन। मान लीजिए प्रॉपर हमें बेस लाइन स्पेसिंग चेंज करना है, इस केस में हम लोग यहाँ पे एडजस्ट स्पेस को यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको अपने डायमेंशन को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे एडजस्ट स्पेस लेना है, और ये लेके किसी भी एक डायमेंशन पर क्लिक करेंगे और ऑटो आएगा यहाँ पर ऑप्शन, ऑटो पर जैसे क्लिक कर देंगे तो ये री एडिट कर लेगा। बट इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोवाइड योर ओन डिस्टेंस, अगर आप खुद का डिस्टेंस डालना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करो और यहाँ से एडजस्ट स्पेस लो, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप जो डिस्टेंस प्रोवाइड करो, सपोज मैंने डिस्टेंस 1 mm का प्रोवाइड किया तो 1 लिख के एंटर किया, तो अगर हम इसको चेक करें तो ये 1-1 की गैपिंग्स आ जाएंगे इनके बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एडजस्ट स्पेस कमांड को यूज़ करेंगे और ब्रेक कमांड को यूज़ करेंगे, क्विक एंड दीज सम लिटिल बिट कमांड्स लाइक लाइन लीनियर अलाइन एंड एंगुलर लाइन्स। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डायमेंशन के क्लास के वीडियो में मैं और भी जो कमांड हैं जैसे सेंटर मार, सेंटर लाइन्स, री एसोसिएट कमांड्स, इन सभी कमांड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को देखिए, अगर कोई भी और क्वेश्चन है आपके पास तो नीचे कमेंट करिए, को डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं आपको उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।